गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 3 पूरा फिनिश हो गया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 4, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअली अब तक जो आपने नेचर पढ़ा था वो कौन सा नेचर था, कोई आइडिया? हाँ, दैट वाज वेव नेचर। हमने ये देखा था कि ये जो रेडिएशंस निकलती हैं वो रेडिएशंस वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं, राइट? जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ये लास्ट ईयर डिस्कस हुआ था कि जब भी कोई एक चार्ज बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन शो करती हैं तो उससे दो टाइप की फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये जो फील्ड जनरेट होती है ये फील्ड वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, एंड दोज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अब तक जो आपने सीखा था दैट वाज बेस्ड ऑन द वेव नेचर, यानी कि हमने वहाँ पे देख लिया था कि जो भी लाइट है दैट शोज वेव नेचर। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट विल शो पार्टिकल नेचर, यानी कि ये जो वेव नेचर था वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है। यानी कि लाइट के दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट इज पॉसिबल। फर्स्ट वन इज वेव नेचर, सेकेंड वन इज पार्टिकल नेचर। अच्छा, वेव नेचर तो समझ में आ गया था, पार्टिकल नेचर क्या है? पार्टिकल किसे कहते हैं? जिसका कुछ ना कुछ मास हो, हाँ, जो किसी से टकराए तो अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करे। जस्ट लाइक अभी मैं चल रहा हूँ तो मैं काइनेटिक एनर्जी में हूँ, मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जब मैं किसी से टक्कर करूँगा तो मैं अपनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करूँगा, क्लियर है? तो वो क्या कहता है, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अस वेव नेचर, सॉरी दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अस पार्टिकल नेचर। और ये पार्टिकल नेचर को किसने कहा, कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको बताने वाले के क्या नाम था, प्लैंक नाम था, मैक्स प्लैंक, उनका पूरा नाम था मैक्स प्लैंक। चलिए, अभी थोड़ा थोड़ा सा और सा लग सकता है आपको, बट जैसे ही अभी थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एक्चुअली प्लैंक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये चीज़ हमें बताई, शायद आपको पता भी हो और हो सकता है ना भी पता हो। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये एक बल्ब है, दिस वन इज अ बल्ब। अगर ये बल्ब है तो बताइए इसमें से क्या होगी, लाइट आ रही होगी, जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, आकर पड़ रही है ना। मान लीजिए यहाँ पर कोई है, कोई एक पर्सन है, मान लीजिए हम ही हैं, तो ये लाइट्स आ रही होंगी मेरे ऊपर पड़ रही होंगी। अब दो बातें हो सकती है, एक जो हमें दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, ये लाइट लगातार मेरे ऊपर आ रही है। दूसरा, उन्होंने कहा एक्चुअली ये जैसा दिख रहा है वैसा हो नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जो आपको लाइट पूरी स्ट्रेट आती हुई दिख रही है, एक्चुअली ये लाइट स्ट्रेट आ ही नहीं रही है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये चीज़ आपको फील नहीं होती, आपको लगता है कि लाइट लगातार आ रही है जबकि लाइट लगातार नहीं आ रही है। लाइट पैकेट के फॉर्म में, कैसा, पैकेट के फॉर्म में लगातार आपको आके गिर रही है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ये हैं तो एक पैकेट गिरा, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, फिर चौथा पैकेट, फिर पाँचवा पैकेट, एक गिरा फिर दूसरा गिरेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। यानी कि जो लाइट आपको लगता है कि ये लाइट कंटिन्यूस लगातार आ रही है, बीच में कहीं गैप नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं और इनके बीच कुछ ना कुछ गैप होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लाइट पैकेट के फॉर्म में आती है तो मुझे ये बल्ब, ये जो बल्ब है वो बार बार बंद होता हुआ और जलता हुआ क्यों नहीं दिखाई पड़ता? मुझे तो दिखना चाहिए। फिर जब हमारे ऊपर पैकेट गिरेगा तो मुझे दिखेगा कि बल्ब जल रहा है, लेकिन जब तक दूसरा पैकेट आएगा उस बीच में अगर कोई गैप है तो उस टाइम पे तो हमें बल्ब को क्या दिखना चाहिए था, बुझा हुआ। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, इसके पीछे भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, आइए देखिए वो क्या है। मान लीजिए ग्लास का वाटर
नहीं, स्पेशल क्वालिटी का आप ग्लास ले लीजिए ये, जो कि बुलेट प्रूफ है। दिस वन इज बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप है, ठीक है, और यहाँ पर कोई और है जिसके हाथ में रिवॉल्वर है, ठीक है। यहाँ से किसी ने फायर किया तो बताइए क्या होगा, यहाँ से एक बुलेट निकलेगी, बुलेट काफ़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगी और क्या होगा फिर, हाँ ये मर जाएगा। नहीं, ये बुलेट प्रूफ लगाया गया ना, यानी कि ये ग्लास से आके टकराएगी लेकिन ये बुलेट इसको पार नहीं करेगी। यानी कि आप हमें ये बताइए, क्या आपको ये बुलेट कुछ देर के लिए दिखाई पड़ सकती है या नहीं? हाँ, चांसेस है कि आपको ये बुलेट दिखाई पड़ जाए। अब आपने क्या किया, दूसरा ले लिया गन, गन नहीं, अब आपने ले लिया ऑटोमेटेड राइफल। इसमें क्या होता है, जब आप एक बार ट्रिगर दबाते हैं तो एक बार में 1000 गोली निकलती है, मान लीजिए 1000 गोली। जब 1000 बुलेट्स निकलेंगी, यहां आएंगी और जब यहां पे पड़ेंगी तो आपको एक बुलेट दिखाई पड़ेगी कि नहीं? दिखाई नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कि यहाँ पे एक बुलेट आई है, इसके बगल में बुलेट, इसके बगल में बुलेट है, सब लगातार बुलेट्स दिखाई पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी स्पीड से इतनी सारी बुलेट्स आ रही हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, एक आया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, इतनी स्पीड से वो आपके ऊपर आके गिर रही होंगी इस ग्लास पर कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बुलेट्स अलग अलग आ रही हैं। आपको लगेगा सब इतनी बड़ी बुलेट है, एक ही साथ आ गई। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो एक और छोटा सा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। हाँ, ये डायग्राम गेस के लिए किसका हो सकता है, ट्रेन का। मान लीजिए ये डायग्राम किसका है, ट्रेन का है, ठीक है। जब ट्रेन रुकी होती है तो दो कंपार्टमेंट के बीच में जहाँ पे ज्वाइंट होता है वो गैप आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना, गैप होता है और दिखाई भी पड़ता है। अब मान लीजिए यही ट्रेन काफ़ी स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और आप बाहर खड़ा होकर देख रहे हैं, तो क्या उस केस में कभी भी आपको ये गैप दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता। जब वो गाड़ी काफ़ी स्पीड से जा रही होती है तो उस केस में हम ये गैप को फील नहीं कर पाते हैं। हाँ, यही चीज़ प्लैंक ने हमें समझाई कि देखिए आपको पता तो नहीं चलेगा, आपको तो ये लगेगा कि जो लाइट है वो लगातार आपके ऊपर आके गिर रही है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है, लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स आपके ऊपर गिर रहे हैं। फिर सवाल ये उठा कि फिर हमें फील क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा ये जो पैकेट्स हैं इनकी स्पीड और इनका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि आप इनके बीच का गैप फील नहीं कर पाते। यानी कि 100 बात की एक बात उन्होंने ये कही, जब भी लाइट ट्रेवल करता है तो वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता, वो पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो करता है, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में वो मूव करता है। इन पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा कहा। क्या कहा? क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। उन्होंने कहा एक पैकेट को एक क्वांटा कहेंगे, चार पैकेट को चार क्वांटा कहेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो अब तक आपको क्या समझ में आई? अब तक आपको ये समझ में आया कि मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये चीज़ कही कि जो लाइट ट्रैवल करती है एक्चुअली लाइट पैकेट के फॉर्म्स में ट्रैवल करती है और उन पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। हाँ, अगर हम मैक्स प्लैंक की थ्योरी को माने तो मैक्स प्लैंक थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो लाइट हो, साउंड हो या कोई भी एनर्जी हो, तो वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं और उन पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं। फिर उन्होंने कहा अगर आप स्पेशली लाइट की बात करते हैं, किसकी स्पेशली लाइट की बात करते हैं, तो ये जो पैकेट है जिसे हम क्वांटा कहते हैं, हम इसको नया नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फोटोन। क्या कहेंगे हम उसको? फोटोन। फोटोन क्यों कहेंगे? आप फोटोसिंथेसिस जब आपको पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा फोटो का मतलब होता है सनलाइट या लाइट। तो देखिए, जब भी छोटा पैकेट लाइट की बात की जाए, अगर कोई भी स्मॉल पैकेट अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी का, तो क्वांटा।
यानी कि आप फोटोन को भी क्वांटा कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशली कहे कि लाइट के छोटे पैकेट को क्या कहेंगे, तो आप उस टाइम पे कहेंगे उसे हम फोटोन कहते हैं। क्लियर है? यानी कि प्लैंक ने पहली बात ये बताई कि जितनी भी एनर्जी है सब छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसफ़र होती हैं और इन पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो क्वांटा है लाइट के लिए हम इसको एक अलग सा नाम देते हैं, उसका नाम होता है फोटोन। यानी कि आज से हम क्या कहेंगे, लाइट्स कैसे ट्रांसमिट होती हैं, लाइट इज यूज टू ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटोन क्या है? एक एनर्जी का छोटा सा पैकेट है, लाइट एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट है। देखिए उसका उन्होंने कहा, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी दीज पैकेट्स और क्वांटाज आर कॉल्ड फोटॉन्स। ये जो पैकेट्स है जिनको हम क्वांटा कह रहे हैं, अगर हम लाइट एनर्जी की बात करें तो हम इसे क्वांटा और पैकेट्स ना कह के हम इसे क्या कहते हैं, फोटॉन्स के नाम से जानते हैं। अभी तक कुछ समझ में आया आपको? हाँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोटॉन। फोटॉन के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहला, इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब ऐसा क्यों होगा? बहुत सिंपल है, अभी आपने कहा ना फोटोन की बात कर रहे हैं, आप क्या लिखे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फोटोन, यानी ये पैकेट किसका है, लाइट का। अगर ये लाइट का पैकेट है तो इसकी स्पीड भी किसकी होगी, लाइट की ही होगी। सो इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और आपको वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही होगा कितना है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप चाहें तो कह सकते 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सोचिए जब ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तो आपको गैप नहीं दिख रहा था, उस केस में ये जो फोटॉन्स हैं, जो पैकेट ऑफ लाइट है, वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर वाली स्पीड से जब ये फोटॉन्स चलेंगे, क्या आपको इनके बीच का गैप थोड़ी सी भी महसूस हो सकती है? नहीं हो सकती। यही कारण है लाइट हमेशा हमारे ऊपर पैकेट्स के फॉर्म में आती है लेकिन हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। बात समझ में आ गई होगी? चलिए, ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, द स्पीड एंड द वेव लेंथ ऑफ ए फोटोन चेंज विद द चेंज इन द मीडियम। अब जैसे जैसे मीडियम बदल जाएगा, यानी कि अगर आप वैक्यूम में हैं तो उस केस पे स्पीड और उसकी वेवलेंथ अलग होगी, जबकि अगर आप वाटर में चले गए तो उस केस में उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी फोटोन की स्पीड और वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। बट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, लेकिन किसी भी फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट डज नॉट चेंज। मतलब कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वो किसी भी फोटोन के हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे वो वाटर मीडियम में हो, ग्लास में हो या फिर वैक्यूम में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मीडियम के चेंज करने से क्या बदल जाता है, वेवलेंथ और स्पीड, जबकि क्या सेम रहता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। थर्ड, द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज जीरो। एक्चुअली फोटोन कभी रेस्ट पे आता ही नहीं है, रेस्ट का मतलब रुका हुआ, हाँ फिजिक्स लैंग्वेज है, रेस्ट का मतलब जब चीज़ें रुकी हुई होती हैं। जब कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वैसे नॉर्मल कंडीशन में आपका फोटोन तो कभी भी रेस्ट में आता ही नहीं है, अगर कभी आ गया तो उस केस में उसकी जो मास होगी दैट इज कंसिडर्ड एज जीरो। ध्यान रहे ये कब पॉसिबल है, जब आपका फोटोन कहीं आके रुक जाए, यानी वो चलना रोक बंद कर दे, वो कभी बंद ही नहीं करता, इसलिए आपको ये मिलेगा नहीं। बट अगर कभी ऐसा पॉसिबल हुआ तो उस केस में उसकी रेस्ट मास क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट है मास ऑफ फोटोन। जो फोटोन है उसका मास किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। अभी आप ध्यान से यहां देखिए, जब नॉर्मली फोटोन मूव कर रहा था उसे कुछ ना कुछ मास रही होगी, तभी तो वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा था, डेफिनेटली कम रही हो, ज़्यादा रही हो, बहुत कम रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ रही होगी, एक बात है। फिर आपने यहाँ पर देखा, जब रेस्ट मास की बात करते हैं, यानी कि जब फोटोन की स्पीड जीरो हो गई,
जब स्पीड ऑफ फोटोन क्या हो गया जीरो, तभी वो रुक गया होगा। उस केस में उसकी मास क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। अब देखिए यहाँ पे मास की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, लेकिन जब आपने स्पीड जीरो किया तो उसकी मास भी क्या हो गई, जीरो हो गया। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि फोटोन का जो मास है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे आपने स्पीड जीरो किया मास जीरो हो गया, जैसे आप स्पीड बढ़ा देंगे फोटोन का मास फिर से बढ़ जाएगा। यानी कि हम एक चीज़ कह सकते हैं कि मास ऑफ ए फोटोन डिपेंड्स ऑन द स्पीड, क्लियर है। और दूसरी चीज़, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, हाँ क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड। तो देखिए अगर आपका स्पीड बदल रहा है, यानी कि अगर आप वेलोसिटी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा कि बदल जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि मास ऑफ ए फोटोन डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अब हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। इसके लिए भी उन्होंने थ्योरी दी है, उस थ्योरी के साथ हम डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दें, हाँ ये अच्छा है। देखिए एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, अब ये जो फोटोन चल रही है, अभी तो हमने डिस्कस किया कि फोटोन रेस्ट पे नहीं आता, अगर आ गया तो मास जीरो हो जाएगा, अदरवाइज वो कभी भी जीरो पे नहीं आता। अगर वो नहीं रुकेगा यानी कोई चल रहा होगा, चल रहा है तो उसके अंदर एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होने के पूरे चांसेस है, काइनेटिक एनर्जी, बट एनर्जी तो होगी ना। तो अब हम उसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी फोटोन की एनर्जी, यानी जो एक लाइट, फोटोन क्या है, लाइट का छोटा सा पैकेट है, हाँ उस छोटे से लाइट के पैकेट की एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, उसे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो प्लैंक ने कहा, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सोर्स। यानी कि जहाँ से वो लाइट का पैकेट निकला, मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब से ढेर सारी लाइट निकल रही होंगी, ये जो लाइट्स ट्रैवल कर रही होंगी किस में ट्रैवल कर रही होंगी, छोटे छोटे पैकेट्स में, इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन। हाँ क्वांटा तो दूसरे केस में कहते हैं ना, लाइट के केस में इसको क्या कहते हैं, फोटोन। तो ये जो फोटोन यहाँ से निकला होगा, इस फोटोन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, क्योंकि वेव नेचर को भी शो करते हैं ये, इसे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। हाँ तो उन्होंने कहा, मैक्स प्लैंक ने कहा कि जो एनर्जी होती है फ्रीक्वेंसी, सॉरी जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो किस पर डिपेंड करती है, इस सोर्स से निकलने वाली फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब आप कह सकते हैं अगर इसकी एनर्जी ई है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमने किससे रिप्रेजेंट करना सीखा था, वेरी गुड, न्यू से। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होता है वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, यानी जो लाइट, जहाँ से वो लाइट आ रही थी उस लाइट के फ्रीक्वेंसी पे उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ पे क्यों नहीं डिपेंड किया, हाँ आया ना माइंड में, अभी आप बताइए। पीछे हमने तुरंत सीखा था मास ऑफ द फोटोन किस पे डिपेंड करता है, हाँ वेवलेंथ और स्पीड पे। क्या वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नहीं करता ना, इसीलिए एनर्जी ऑफ फोटोन किसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये कौन कहा था, दिस वॉज द स्टेटमेंट गिवेन बाय द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यानी कि प्लैंक ने ये अपने थ्योरी में ये बात बताई हमें, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए एनर्जी ऑफ ए फोटोन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। अब हमें एक चीज़ पता है, जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाते हैं तो हमें एक छोटा सा कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ता है, हाँ क्या करना होगा, छोटा सा कांस्टेंट डिफाइन करना होगा। अब बताइए ये कॉन्सेप्ट कौन दिया था, प्लैंक ने, तो उन्होंने एक नया कांस्टेंट भी दिया जिस कांस्टेंट का नाम है एच, इससे हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम, प्लैंक्स कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्यों कहते होंगे, क्योंकि उन्होंने थ्योरी दिया था, हमने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इस कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट। पी नहीं है, एच है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। तो देखिए इस सिंबल को हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नया कांस्टेंट, दैट इज एच।
और h क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हमें एक छोटा सा फॉर्मूला मिल गया, एनर्जी ऑफ द फोटोन। ध्यान रहे ये कितने फोटॉन्स की एनर्जी आपने निकाली है, सिर्फ एक फोटोन की। एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू के इक्वल होगी, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। कई बार कुछ बुक्स में आपको ये 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 या कई बार 6.62 भी देखने को मिल सकता है, तो वो कुछ नहीं है, बस इसी को थोड़ा सा सॉर्ट करके लिख दिया जाता है। एक्चुअल वैल्यू तो यही होती है 6.626। यानी कि अब तक हम एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैलकुलेट करना सीख लिए। क्या होता है फॉर्मूला बताइए फटाफट, यस ई इक्वल टू एच न्यू। अच्छा हमें एक चीज और पता है, न्यू फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होती है, वेरी गुड, सी अपॉन लैम्डा। याद आया पिछले लेक्चर हमने सीखा था, हाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। अगर हम चाहें तो इसको सी अपॉन लैम्डा से रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, ई इक्वल टू एच, न्यू की जगह पर हम क्या लिख देंगे, सी अपॉन लैम्डा। यानी कि हम एक नया इसका और फॉर्म बना सकते हैं, दैट इज ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। दोनों में से आपको कोई एक याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है ई इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि स्टेटमेंट्स आप ये खुद बना लेंगे। अगर आपको ये पता है तो आपको न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा उठा के रख देना, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ध्यान रहे दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब मान लीजिए देखिए ये सब तो आप कर ही लेंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी है एच सी अपॉन लैम्डा। बताइए अगर दो फोटोन का निकालना रहेगा तो क्या करना होगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2hc अपॉन लैम्डा। 5 फोटॉन्स की एनर्जी 5hc अपॉन लैम्डा। अब बताइए n फोटॉन्स, मुझे नहीं पता कितने फोटॉन्स हैं, तो n फोटॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, वेरी गुड, दैट इज nhc अपॉन लैम्डा। कर सकते हैं क्या, चलिए देखिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स इज इक्वल टू nhc अपॉन लैम्डा। यानी कि जो हमारी एक एनर्जी फोटोन की एनर्जी होती है उसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो n फोटॉन्स की एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। कर सकते हैं, चलिए एक बार फिर से आपको प्लैंक्स क्वांटम थियोरी क्या कहती है ध्यान रखना है। प्लैंक्स क्वांटम थियोरी सेज दैट एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सोर्स। जिस सोर्स से वो फोटोन निकला है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस फोटोन की एनर्जी। फिर h की वैल्यू आपको पता हो गई है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ऐसे ही c की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए एक दो टर्म्स है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। हम जब फोटोन की एनर्जी निकालते हैं तो वो वैल्यू काफ़ी छोटी होती है, दैट इज वेरी लेस। तो हम उस एनर्जी को हम जूल में ना निकाल के किस में निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम ऐसे जनरल बात करें तो एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, कोई भी एनर्जी हो, उसकी एसआई यूनिट हमेशा क्या होती है, जूल। लेकिन जो फोटोन की एनर्जी होती है वो इतनी छोटी होती है कि हम उसको जूल में ना निकाल के हम किसमें निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ किसमें निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको पता होना चाहिए कई बार आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे और वो आपसे कह देगा कि आप हमें जूल में आंसर बताइए, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल सा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वेरी गुड, 1.6 × 10⁻¹⁹। बस वहाँ पे आप जूल के इक्वल कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये भी एनर्जी है
और ये भी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है और जूल भी एनर्जी की यूनिट है। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के इक्वल होती है। अगर आपको लगता हम भूल जाएंगे तो उसके लिए बस आपको याद रखना है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो बस वही वैल्यू है, बस उसको जूल में रख देना है। कर सकते हैं, चलिए देखिए ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल। जबकि जनरल यूनिट जो हम हमेशा यूज करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपका माइंड में चल रहा होगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक रीजन तो ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन बहुत छोटा होता है तो हम इसलिए जूल में रिप्रेजेंट नहीं करते। दूसरा, हमारा कैलकुलेशन मुझे आसान रखना है इसलिए भी मैं ये यूनिट यूज करता हूँ। चलिए आइए देखिए, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। अब अपने फॉर्मूले को अगर आप देखें तो आपका फॉर्मूला एक फोटोन के लिए क्या है, E=hc/λ। हाँ, एच न्यू था, न्यू के जगह पर c/λ लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एच की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 6.626 × 10⁻¹³ जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सी की भी वैल्यू फिक्स है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, सेम मीडियम में प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि कंफर्म फिक्स्ड है। तो क्या करें हम, क्यों ना दोनों की वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट करके रख लें, यानी कि हमें बार बार इनको रख के मल्टीप्लाई करना ना पड़े। आप कर सकते हैं, आप जब भी चाहें वैल्यू को उठा के ऐसे रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इतना कैलकुलेशन नहीं करते। हमें जब तक मजबूर नहीं किया जाएगा हम तब तक इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस करने के पीछे नहीं भागेंगे। मेरा काम है कम से कम कैलकुलेशन में मेरा आंसर आ जाए। तो हमने क्या किया, हम इस वैल्यू को पहले से ही कैलकुलेट करके रख लिया। तो क्या आएगा, देखिए एच सी की दो वैल्यू आएगी, एच सी की दो वैल्यू आएगी। पहला आएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, कितना आएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब, हाँ, जो लैम्डा है वेवलेंथ की वैल्यू, आप उसको किस में लेंगे, नैनोमीटर में रखेंगे। और हमें एक चीज़ पता है, लास्ट लेक्चर आपने देखा भी था कि हमारा जो वेवलेंथ होता है उसको हम या तो नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर, वेरी गुड, दूसरा क्या था, एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं, करते हैं ना। फिर हमने देखा था कि एक नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होता है। अब बताइए अगर आपको 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है, अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहें तो क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1240 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, बट कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसलिए हमने अलग अलग लिख दिया है। एच सी की एक वैल्यू आप याद रखेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। और दूसरा, आप ये कैलकुलेट करके खुद से ही निकाल सकते हैं, नैनोमीटर का पता है तो एंगस्ट्रॉम निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 500 फोटॉन्स। एक फोटोन नहीं, 500 फोटॉन्स। बताइए मेरे पास अगर n फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, यस E=nhc/λ, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला और बनता है आपका E=nh𝛎। हाँ, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी दिया हो। देखिए मेरे क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है, यस वेवलेंथ दिया है, यानी कि हम ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला यूज कर लेंगे। तो आइए देखिए, फॉर्मूला है E=nhc/λ। देखिए n की वैल्यू आपको दिया है 500। आप देखिए hc की वैल्यू रखें, उससे पहले आपको देखना होगा आपको लैम्डा की वैल्यू किस में दी गई है, ध्यान से देखिए एंगस्ट्रॉम में ना। तो एंगस्ट्रॉम के लिए hc की वैल्यू अभी हमने निकाल के रखी थी, देखिए कितना आया था 12400। हाँ, आपको h और c की वैल्यू अलग अलग नहीं रखनी है, आपको एच सी की वैल्यू पहले से ही पता है क्या होता है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एंड एच सी इक्वल टू ऑल्सो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम।
जब आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो आप ये वाली वैल्यू रखिए, अगर नैनोमीटर में दिया है तो आप ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो देखिए, क्योंकि एंगस्ट्रॉम दिया था तो हमने ये वाली वैल्यू रख लिया अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना दिया है? 4000, ये दिया है ना, सॉरी 3000 एंगस्ट्रॉम दिया है, यहाँ पर हमने रख दिया 3000। अब देखिए 1212 ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है फिलहाल तो नहीं। अब आप इनको सॉल्व कर देंगे, देखिए क्या बन जाएगा। और पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, 5 4 20, 5 2 10, 12, 5 1 5 6, ठीक है, सही तो होना चाहिए ना, 5 4 20, 5 2 10, 12, 5 1 5 1 6, ठीक है, अपॉन क्या ये 3, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, देखिए 3 2 6, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 6 6, अच्छा यहाँ पर 6 बार लगा देंगे क्योंकि बार बार 6 रिपीट हो जाएगा। एनर्जी आपने निकाला ना, आप बताइए आपकी एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल होगी, सही है? नहीं, अगर आपने जूल लिख दिया तो आपका गेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये एच सी की वैल्यू किस में रखी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपने वेवलेंथ में किस में रखा है? नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में। आपने एसआई यूनिट कहीं यूज ही नहीं किया, तो आपको आंसर भी किस में मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मान लीजिए कई बार, वैसे तो कहा नहीं जाता है, बट कई बार आपसे क्वेश्चन में कह देगा कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू, वेरी गुड, 10 to the power, यहाँ लिख लेते हैं, सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल, देयरफोर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है? 2066.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, -19 इंटू 2066.6, सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस में हो जाएगी? फिर जूल में। वैसे हमें करना नहीं होगा, ये तब हम करेंगे जब मेरे क्वेश्चन में पहले से ही कह देगा कि आपको आंसर किस में निकालना है? जूल में। समझ में आ गई मेरी बात? कर सकते हैं, चलिए और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ये 2066.5 आ रहा है, वो लगभग 5-6 के अराउंड आएगा, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमसे क्या पूछा था? सिर्फ एनर्जी पूछा था ना, आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही छोड़ देंगे। अगर वो आपसे जूल में पूछा है तो फिर आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे 1.6 × 10⁻¹⁹ लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी? जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आंसर आपको सामने दिया गया है, आप पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? जूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इमिट्स 0.96 जूल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, आपको एनर्जी दिया हुआ है और आपसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला वही है, हाँ, E इजल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई, एक चीज़ गड़बड़ हो गई, अगर आप ये फॉर्मूला उठा के लगा दिए इजल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा, E की वैल्यू कितनी दी है? 0.96। अगर आपने यहाँ पर 0.96 रख के N की वैल्यू हमें निकालना है, एच सी की वैल्यू, देखिए लैम्डा किस में दिया है? नैनोमीटर में, तो एच सी की वैल्यू क्या रखेंगे आप? यस, 1240 अपॉन 200 नैनोमीटर है, 200। अगर आपने ये लिख के सॉल्व कर दिया तो आपका गेम हो जाएगा। क्यों? आपको अच्छे से पता है कि जब भी आप ये नैनोमीटर में या एच सी की वैल्यू इसमें 1240 या 1240 रखते हैं तो आपकी एनर्जी किस में होनी चाहिए?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि ये वैल्यू किस में दिया गया है आपको, जूल में। ध्यान से देखिए क्या दिया है, 0.96 जूल। तो क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, आप पहले ही उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होती है, पता है ना। अब इस पर कन्वर्जन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में नहीं करना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तब इसको रिवर्स लिखिए उल्टा, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी, होगी या नहीं होगी, पक्का है। चलिए यहाँ से हम एक जूल की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, अपॉन में जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व मत करिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। हमें कितना जूल को चेंज करना है, 0.96 जूल की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब 0.96 जूल। अब बताइए इस वैल्यू को क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 0.96 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। अब एक काम करिए, इस डेसिमल को हटाइए, नीचे आपको क्या मिल जाएगा 100, हाँ इस डेसिमल के बाद दो डिजिट थे ना, तो दो जीरो के साथ आपको 100 मिल जाएगा नीचे, इस डेसिमल को हटाएंगे ऊपर मिल जाएगा आपको 10। अब देखिए 16 6 96 कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो को भी उड़ा दीजिए, अब देखिए आपको क्या मिल गया, आपको मिलेगा 6 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 18, और इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस 18 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस 18, यानी कि 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये वैल्यू मिल गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बस क्या करना है आपको, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, और 2 से इसको कैंसिल करिए 10 टाइम्स, दिस विल बी 62 टाइम्स हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ से इस 10 को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 6 इंटू 10 टू द पावर 19, 18 पहले से था, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और बढ़ गया, यानी 19 हो गया, दैट इज इक्वल टू 62 इंटू एन। हमें एन निकालना है, हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू, अब 62 को इधर ला कर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इट विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 62। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, बात समझ में आ रही, करना क्या है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको सीखना क्या था, आपको क्या होता है जनरली हमें जो वैल्यू दी होती है हम उसको वैसे उठा के रख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। हाँ, जब भी आप एच सी की वैल्यू 1240 रखेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में रहेगी और एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। अगर आप एच सी की वैल्यू 1240 रखते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रखेंगे और एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगी, बात समझ में आ गई मेरी, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, इसको एक और तरीका है जो सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, अब मान लीजिए आपको ये सब कन्वर्जन नहीं करना है तो आप सब वैल्यू को उठा के किस में रख लीजिए, हाँ एसआई यूनिट में। तो देखिए उस केस में क्या होता, एनर्जी के एसआई यूनिट जूल होती है, तो 0.96 दिया ना, आप 0.96 ही रख सकते हैं। ध्यान रहे, ये तब समझिएगा जब आपको उसमें कोई दिक्कत होगी, ठीक है। ये हम बता देते हैं, आप देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे आप वो कर लीजिएगा। एन की वैल्यू आपको निकालना है तो एन ही रहने दीजिए, एच की वैल्यू, हाँ अब एच सी की वैल्यू जो कैलकुलेटेड है आप वो नहीं रखेंगे, आपको एच की वैल्यू रखना पड़ेगा, दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा, कितना दिया था 200 नैनोमीटर, लेकिन क्योंकि सब वैल्यू आप एसआई यूनिट में रख रहे हैं तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट भी क्या होगी, मीटर, तो इसको भी आप मीटर बनाएंगे, दैट विल बी 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, इस वैल्यू को उड़ा के यहाँ रखेंगे। अब उसके बाद आप इन सारे टर्म्स को सॉल्व कर देंगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी,
यानी कि यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस केस में कोई कन्वर्जन नहीं था, यानी कि ना आप जूल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाए ना कुछ किए। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर आप एनर्जी जूल में चाहते हैं तो आपको h की जो रियल वैल्यू है वो रखनी होगी, c की जो रियल वैल्यू है वो रखनी होगी, और आपकी लैम्डा की वैल्यू भी मीटर में रखनी होगी। तो उस केस में आप डायरेक्ट इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। खैर, हम तो इसे कभी यूज नहीं करते क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इसे टफ हो जाता है। अब इन सबको सॉल्व करना और मुश्किल वाला काम हो जाता है, तो मैं इसको यूज नहीं करता। बट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद 9.6 × 10⁻¹⁷, यानी कि ये जो वैल्यू आई है आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9.6 × 10⁻¹⁷, क्योंकि ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने निकाला है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे होगा, आराम से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। आइए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स। अब रेट ऑफ क्या होता है? हाँ, जब हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ। जैसे आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वी माइनस यू अपॉन टी पढ़ रखा होगा ना आपने। हाँ, तो ये देखिए, ये हो गया रेट ऑफ। आप इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वी माइनस यू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और अपॉन टी को हम बोलते हैं रेट ऑफ, यानी जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर टाइम टी से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू मिलती है हम उसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ बोलते हैं। तो देखिए, क्योंकि हमें रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, यानी कि हमें बताना है कि किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितने फोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं। हाँ, अब हम ये बताएंगे कि एक सेकेंड में किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, जिसकी फ्रिक्वेंसी लैम्डा सब वैल्यू आपको दिया गया रहेगा, तो उससे एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कैलकुलेट एन अपॉन टी। नंबर ऑफ फोटॉन्स का रेट निकालना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को टी से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई मेरी? चलिए, आपको एक छोटा सा रिलेशन पहले से पता होगा, 9th में सीखते हुए आते हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो याद रखेंगे। पावर क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। तो देखिए, पावर इज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी का रेट, यानी कि ई अपॉन टी कर सकते हैं। यानी कि आपको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज टी इज इक्वल टू ई बाई टी। अब देखिए, यहां से हम एक छोटा सा टर्म बना लेंगे, क्या हो गया ये, यस। देखिए, क्योंकि आपको P की वैल्यू E बाई टी पहले से पता है, ठीक है, और E की वैल्यू भी आपको पहले से पता है, दैट इज एन एच सी अपॉन लैम्डा। हाँ, एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स क्या होता है? E इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। तो बस आप ये जो वैल्यू है P इक्वल टू E बाई टी, यहाँ पे इस वैल्यू को उठा के रख दीजिए, P को P रहने देंगे, E, या फिर एक काम करिए, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। E की वैल्यू देखिए क्या है, n एच सी अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा नीचे चला जाएगा और पहले से T यहाँ पे था। ध्यान से देखिए, बात समझ में आ रही मेरी? P को P रख दिया हमने, T को T रख दिया हमने, जैसे था पहले वैसे ही। अब E की जगह हम क्या लिखेंगे? n एच सी अपॉन लैम्डा रख देंगे। अगर हम एन एच सी अपॉन लैम्डा रखे तो एन एच सी तो ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन ये लैम्डा नीचे था तो वो नीचे चला आया। बात समझ में आई आपको? अगर ये बात आपको समझ में आती है, अब ध्यान से देखिए, आपको एन बाई टी मिल गया, क्या मिल गया ना, एन अपॉन टी। इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स। क्योंकि हमें एन बाई टी का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को उठा के इधर भेज देंगे। तो देखिए, आप यहाँ से लैम्डा को इधर भेजेंगे तो नीचे से ऊपर आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, P इंटू लैम्डा। अब देखिए, ये एच सी ऊपर थे मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि एच सी नीचे हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा आपका, एन बाई टी।
यानी कि n बाई टी का आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया, दैट इज p लैम्डा अपॉन एच सी। यानी कि कभी भी आपसे कोई ये पूछ ले कि एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना होगा, n बाई टी इज इक्वल टू p लैम्डा अपॉन एच सी। यानी कि आपको p लैम्डा अपॉन एच सी की वैल्यू निकाल देंगे तो आपको रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स मिल जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड मिल जाएगा, यानी कि एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स जनरेट होते हैं आपको ये भी पता चल जाएगा। देखिए आपको मिल जाएगा रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स n बाई टी इज इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन एच सी। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड। हाँ देखिए, कई बार आपसे वो रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स भी पूछ लेगा, कई बार आपसे ये पूछेगा बताइए हाउ मेनी फोटॉन्स आर जनरेटेड पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब भी क्या पूछ रहा है वो आपसे, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स एन बाई टी ही पूछ रहा है, तो आपको ये चीज़ गेस करने भी खुद से आना चाहिए कि पर सेकेंड का मतलब आपसे रेट पूछे जा रहा है। देखिए क्या दिया है, बाय अ 6 मिली वॉट लेजर ऑपरेटिंग एट 662 नैनोमीटर। ठीक है, हमें जो जो डिटेल्स दिया हम लिख लेते हैं। पावर दिया है 6 मिली वॉट, ठीक है, और हमें लैम्डा भी दिया है। देखिए कितना दिया है, लैम्डा इज गिवन 662 नैनोमीटर। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, एन बाई टी इज इक्वल टू, यहाँ पर टी आएगा ना, पी लैम्डा अपॉन एच सी। अब देखिए पावर, पावर तो आपको वाट में दिया है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। 6 मिली वाट का मतलब होता है 6 × 10⁻³ वाट, मिली का मतलब -3। ठीक है, तो अब हम क्या करें, सब वैल्यू को उठा के एसआई यूनिट में रखेंगे इसमें, क्योंकि पावर को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इससे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 2 पेज कन्वर्जन में लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज ना करके हम एसआई यूनिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो बताइए पावर के एसआई यूनिट वॉट होती है, यानी कि 6 × 10⁻³। लैम्डा, लैम्डा के एसआई यूनिट मीटर होती है, तो क्या हम 662 नैनोमीटर को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 662 × 10⁻⁹ मीटर, नैनो का मतलब -9, सो दिस विल बी 662 × 10⁻⁹ अपॉन एच सी। एच सी की वैल्यू बोलिए क्या लिखे हम, 1240 या 1240। हाँ कौन सा, 1240 अगर आपने लिख दिया तो फिर सब खत्म, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप वैल्यू किस में लिख रहे हैं, एसआई यूनिट में, तो एसआई यूनिट में एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 × 10⁻³। और सी की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, अब ध्यान से देखिए, तो क्या कर सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड करिए, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या मिला आपको, 2 × 662 ×, ये देखिए 10⁻³ और -9, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा आपके पास 10⁻½, ये -12 है ना, ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए ये है 6.626, अब ध्यान से देखिए ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इस 6 को रहने देते हैं, इस 6 को हम लिखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ 6.62 लिख लेते हैं। अब सोचिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, 6.62 में से अगर हम डेसिमल हटा देंगे तो मुझे पता क्या मिल जाएगा, 662 मिल जाएगा, यानी कि आराम से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो h की वैल्यू ले रहे हैं वो 6.62 ले रहे हैं बस। ठीक है, हम इसको क्या लिख देंगे, 662। अगर हम इसका डेसिमल हटाएं तो कितने जीरो आएंगे, 20, वो भी कहाँ जाएंगे, ऊपर, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया 662। ये देखिए -34 और 8 + 8 सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -26। ये -12 है, -26 है, ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या मिल गया, यू हैव गॉट इज 200 × 10⁻²⁻ अपॉन
10 टू द पावर माइनस 24। अब एक काम करते हैं, इस टर्म्स को उठा के ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे प्लस बन जाएगा 10 टू द पावर 24। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और प्लस 24 को सॉल्व करेंगे तो आपको प्लस 12 मिलेगा। आप इसको अच्छे से कन्वर्ट कर लेंगे तो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 14। हाँ, क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 14। ये आ गया आपका आंसर, यानी कि एक सेकेंड में आपको इतने फोटॉन्स जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे एक सेकेंड में। सोचिए, एक बुलेट आ रही थी तो आपको तो दिख जा रहा था, इतने पैकेट्स आपको एक सेकेंड में आपके ऊपर जब आगे गिरेगा तो क्या आप कभी भी फील कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 14। सॉरी, इसमें कितना आ रहा है, हियर वी आर गेटिंग 10 टू द पावर 16। आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, माइनस 13 सही है, 662 10 टू द पावर माइनस 9 एंड 100 माइनस 34 और 8। सॉरी गड़बड़ हो गया था यहाँ पर, माइनस 34 और 8 को सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या आएगा, 26 आएगा, ये 26 ऊपर जाएगा तो ये प्लस 26 बनेगा, ये 6 रहेगा, और जब आप ये 6 लेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकाल क्या रहते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की कोई यूनिट नहीं होती है तो उसको वैसे छोड़ देंगे, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है ना, इस सेकेंड को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड इनवर्स, यानी कि इसका यूनिट अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या लिख देंगे, सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर, 2 इंटू 10 टू द पावर 16, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं हम आपके लिए, पहले हम टाइम देख ले एक बार ना, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, इट इज 52 मिनट्स। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है, तब अब आप खुद से कर लेंगे, आपके होमवर्क है, इस होमवर्क का सॉल्यूशन भी आपके सामने दिया गया है, आप कोशिश करिएगा आप खुद से इसको ट्राई करें और आपसे हो जाए। उसके बाद दो क्वेश्चन और हैं होमवर्क आपके पास, आप इनको ट्राई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 5 मोल्स फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, किधर गया, ठीक है, डिटेल्स क्या क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स है 5 मोल्स, 5 मोल्स का मतलब बताइए, वेरी गुड, 5 Na, और अगर हम उसको भी सॉल्व कर लें तो 5 × 6.022 × 10⁻², आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, 10, 10, 11 and 30, यानी कि 30.11, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 3.011 × 10⁻²। दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, इतने फोटॉन्स की हमें एनर्जी निकालनी है, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दिया गया है, न्यू इज ऑल्सो गिवन 10⁻¹५ हर्ट्ज। अरे ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा या इज इक्वल टू एन एच न्यू लगाएंगे, आप बताइए कौन सा लगाना चाहिए हमें, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे पता चलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म यूज कर ले। तो देखिए एन की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 3.011 × 10⁻², अब क्या मुझे एच न्यू का कोई फॉर्मूला शॉर्टकट पता है क्या, नहीं है, तो बस वैल्यू उठा कर रखेंगे, एच की वैल्यू पता है आपको, हाँ 6.626, अब चाहे तो 6.62 ही बस लिख के छोड़ दीजिए,
इंटू न्यू की वैल्यू आपको पता है, सॉरी 6 to 6 इंटू 10 to the power -34 इंटू न्यू की वैल्यू भी आपको पता है 10 to the power 15। अब आप इनको सॉल्व कर देंगे, अब चाहें तो यहाँ पे 6.62 लिखे या 6 to 6 दोनों में वैल्यू लगभग एक दूसरे के आसपास आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा ट्राई करें ओवरऑल, तो ये देखिए 6 3 18 19 20 लगभग आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये 20 के आसपास आपको वैल्यू देगी। सॉल्यूशन में है, हम बता देंगे आपको, लगभग हम गेस कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 3 18 और 18 1.8 को ऐड करें तो 19.8, यानी कि लगभग 20 के आसपास ये वैल्यू आएगी। अब देखिए +24 and -34 सो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -10। हाँ -10 और +15 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 to the power 5। अगर आप इसको और अच्छे से अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 6। ये आ गई आंसर। अब बताइए ये जो आंसर एनर्जी के आ रही है, ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा या जूल में? हाँ वेरी गुड, दिस विल बी इन जूल। क्यों? क्योंकि मैंने एच की पूरी कंप्लीट वैल्यू रख के इसको एसआई यूनिट पे सॉल्व किया है, इसलिए ये वैल्यू किस में आ रही है मेरी? जूल में आ रही है। फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट हर्ज, एच की हमने कंप्लीट वैल्यू रख दी है, और एन, एन तो हमने निकाल ही रखा था यहाँ से। यहाँ पे पता है गड़बड़ क्या होती, अगर आप गलती से यहाँ पे जो 5 moles हैं और यहाँ पे 5 ही लिख के मल्टीप्लाई कर देते तो आपका गेम हो जाता। क्यों? क्योंकि वो 5 moles का मतलब 5 नहीं होता, 5 moles का मतलब 5 na, यानी कि वो इस नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात किया जा रहा है। कर सकते हैं, तो आंसर देख लीजिए। सो क्या गड़बड़ हुआ है, 5 na की वैल्यू 39, ओके सो यहाँ से वैल्यू आ रही है 1995 किलो जूल। अगर हम इस वैल्यू को अच्छे से और लिखना चाहें तो देखिए कितना आया था मेरा वैल्यू, ये आया 2 into 10 to the power 6। इसको एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है? 6 5 का 30, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? हाँ ठीक है, बस ये वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आप अपने वैल्यू को भी चाहें तो किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए क्या है वो, ये है 2 into 10 to the power 6, तो हम इसको यहाँ लिख के दिखा देते हैं, 2 into 10 to the power 6 जूल में आया है आपका आंसर। अब ध्यान से देखिए, हम इसको क्या 2000 into 10 to the power 3, ये 10 to the power 6 आया कि 5 आया आपको देखना पड़ेगा ना, क्या ये, हाँ ये आ रहा है, ठीक है 10 to the power 6, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 2000 into 10 to the power 3। 10 to the power 3 को हम क्या लिखते हैं? किलो जूल। तो ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2000 किलो जूल। अच्छा ये जो आंसर आपने निकाला है मोल्स के लिए निकाला था, तो हम इसमें मोल्स की भी नंबर को ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ध्यान दें ये क्या आया, 2000 किलो जूल, जबकि एक्चुअली आंसर कितना आएगा, 1995। ऐसा क्यों? हाँ क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया था, मैंने एक रफ वैल्यू ले लिया था, इसलिए मेरी वैल्यू लगभग 2000 आ रही है, जबकि एग्जैक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1995 किलो जूल पर मोल आएगी। कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं तो फिर अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोटो डिसोसिएशन। देखिए द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, जानते हैं थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा आज का, तो क्या करना है, हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे इसको, लेकिन अब एक ही में, क्योंकि टॉपिक एक ही है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए फोटो डिसोसिएशन क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स यूजिंग लाइट एनर्जी इज नोन एज फोटो डिसोसिएशन। डिसोसिएट का मतलब होता तोड़ना, हाँ डिसोसिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक कर देना। अब फोटो का मतलब तो आपको पता ही है, दैट इज लाइट, हाँ फोटोन का मतलब पैकेट ऑफ लाइट, और फोटो का मतलब लाइट।
जब हम किसी भी, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी, उनके बीच में एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। यस, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान से देखिएगा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड्स ऑफ वन टाइप इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। एक मोल, ध्यान रहे एक बॉन्ड नहीं, ऐसे एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है हम उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। हम बॉन्ड एनर्जी एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं, यानी कि बॉन्ड एनर्जी की जब हम यूनिट लिखेंगे तो वो या तो जूल पर मोल होगा या फिर वो किलो जूल पर मोल होगा, यानी कि उसमें मोल वर्ड डिफाइन जरूर से होगा। यानी कि बॉन्ड एनर्जी जब भी दी जाती है आपको वो हमेशा मोल्स के लिए डिफाइन होती है, यानी कि या तो जूल पर मोल या तो किलो जूल पर मोल के लिए दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? अभी आप इसको ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, मेरे कैलकुलेशन में यूज होगा तो हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे आपको, यानी कि चैप्टर फोर्थ, तो वहाँ पर हम इसके काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन तब तक, क्योंकि अभी आपके टर्म्स आते रहेंगे, यूज होगा कैलकुलेशन में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी यूनिट का क्या मतलब है। तो फोटो डिसोसिएशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ बॉन्ड बिटवीन एनी टू कंपाउंड्स गेट्स ब्रोकन डाउन वनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज नोन एज फोटो डिसोसिएशन। दूसरी चीज, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड्स ऑफ वन पर्टिकुलर काइंड, दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड इन किलो जूल पर मोल। आपको यूनिट का सबसे बड़ा ध्यान रखना है, बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड फॉर वन मोल। बॉन्ड एनर्जी हमेशा एक मोल के लिए डिफाइन होती है। तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन बॉन्ड इज, देखिए अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन मोल। तो एक मोल के लिए बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होती है। अगर मुझे एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, ध्यान रहे एक मोल की नहीं, एक बॉन्ड की, तो मुझे क्या करना होगा? इस मोल को इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाई मोल। अच्छा, वन मोल का मतलब, वेरी गुड, वन एन ए, और वन एन ए का मतलब 6.022 × 10²। आप ध्यान रखेंगे कभी भी अगर आपसे बॉन्ड एनर्जी निकलवा रहा है, वो भी एक एटम के लिए, या एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकलवा रहा है, तो उस केस में आप हमेशा से अपने बॉन्ड एनर्जी को क्या करेंगे? Na से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि अगर आप Na से डिवाइड नहीं करेंगे तो वो किसका हो जाएगा? एक मोल का बॉन्ड एनर्जी बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, बॉन्ड एनर्जी जब भी आप एक एटम का या एक बॉन्ड के लिए निकालते हैं तो आपको बॉन्ड एनर्जी जो दिया गया रहेगा उसको Na से डिवाइड करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए अभी क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन बॉन्ड कितना हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन Na के इक्वल हो जाएगा। देखिए, वन फोटोन, फोटोन क्या है? यस, इट इज द वन पैकेट ऑफ द लाइट। लाइट के छोटे से पैकेट को फोटोन कहते हैं। कैन ब्रेक ओनली वन बॉन्ड। अच्छा, ये कैन का मतलब क्या है? जो एक फोटोन आ रही होगी वो सिर्फ एक ही बॉन्ड को तोड़ सकता है, वो सिर्फ एक ही बॉन्ड को तोड़ सकता है। इसका मतलब ये बात तो सही है कि वो मैक्सिमम कितना कर सकता है, तो एक बॉन्ड की ब्रेकिंग कर सकता है, लेकिन मिनिमम नहीं पता। अगर उसके पास एनर्जी कम है, एक बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है उससे भी कम एनर्जी अगर फोटोन के पास है, तो वो एक भी बॉन्ड तोड़ नहीं पाएगा।
तो ये भी हो सकता है कि जितने सारे फोटॉन्स आ रहे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे भी फोटॉन्स हो सकते हैं जिनकी बॉन्ड एनर्जी एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से कम हो। अगर ऐसा हुआ तो वो एक भी बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उनके पास सफिशियंट बॉन्ड एनर्जी है तो एक फोटॉन एक ही बॉन्ड को तोड़ सकता है। हमेशा याद रखेंगे, एक फोटॉन एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा, एक मोल बॉन्ड को नहीं, एक बॉन्ड को सिर्फ तोड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू ब्रेक Cl-Cl बॉन्ड। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl-Cl बॉन्ड इज गिवेन 1.204 जूल पर मोल। देखिए, बॉन्ड एनर्जी किस में दिया हमें, जूल पर मोल में, यानी कि ये बॉन्ड एनर्जी एक बॉन्ड की है या एक मोल बॉन्ड की। हाँ, दिस इज गिवेन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन मोल बॉन्ड। देखिए फॉर्मूला आप लगा देंगे, क्योंकि देखिए जूल वगैरह में दिया है तो हम क्या करें, सबको एसआई यूनिट में रख लेते हैं। तो E=mhc/λ। आप बताइए इस केस में ये जो एनर्जी दिया गया 1.204 जूल पर मोल, क्या ये एनर्जी एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है या ये एनर्जी एक मोल बॉन्ड की है? हाँ, एक मोल बॉन्ड की है ना, लेकिन हमें पता है कि मेरा एक फोटोन एक ही बॉन्ड तोड़ेगा, एक फोटोन एक ही बॉन्ड तोड़ेगा। इसका मतलब हम एनर्जी के जगह पर क्या लिखेंगे, हम बॉन्ड एनर्जी अपॉन Na। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना भी होगा और आपको याद भी रखना होगा, क्योंकि जनरली हम यहाँ पे मिस्टेक करते ही करते हैं। हमारे माइंड में आता है ये जो एनर्जी दिया है इसी एनर्जी को लिख के हम सॉल्व करते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। याद कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया, पर मोल, वो एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी है, हमें तो सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ना था। तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी को Na से डिवाइड करके वैल्यू रखेंगे, यानी कि ये जो एनर्जी है ये वैल्यू 1.204 नहीं होगी, 1.204 अपॉन Na की इक्वल हो जाएगी। कर सकते हैं, फिर देखिए N कितने बॉन्ड तोड़ रहे हैं, एक, तो N की वैल्यू 1 हो गई। H की वैल्यू 6.626 × 10⁻¹¹, C की वैल्यू 3 × 10⁸। हमने यहाँ पे HC की वैल्यू 1240 या 1240 1400 नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू किस में रखी है, एसआई यूनिट में। तो बताइए लैम्डा की वैल्यू जो आएगी, जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में या मीटर में? हाँ, दैट वैल्यू विल बी इन मीटर। फिर उसके बाद आप Na की वैल्यू रख के यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि ये जो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसमें आपको सीखना क्या था, हाँ, जब भी आपको बॉन्ड एनर्जी दिया होगा तो वो मोल्स के लिए डिफाइन है, तो आप उस वैल्यू को डायरेक्ट उठा के अपने इक्वेशन में नहीं रखेंगे। आप बॉन्ड एनर्जी को पहले Na से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एक बॉन्ड के लिए डिफाइन है, और उस वैल्यू को आप NhC/λ से सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू ये मिलेगी 0.994 मीटर। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 9.94 सेंटीमीटर। ये आपका होमवर्क, अब आप इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको, हाँ चलिए जब आप लोग को दो पार में ही कंप्लीट करना है तो इसको भी यहीं ख़त्म कर देते हैं, रहने देते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है ना आज। तो आप ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको निकालना है रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल Cl2। ध्यान रहे हमें कितने बॉन्ड्स तोड़ने हैं, एक मोल, तो आप इस केस में बॉन्ड एनर्जी क्या यूज करेंगे, ये वैल्यू यूज करेंगे। ये किलो जूल दिया है तो पहले इसको क्या बना लेंगे, जूल में, यानी कि 1.9878 किलो जूल जो दिया है आप इसको जूल बनाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 2, 3, यानी कि 1987.8 जूल पर मोल हो जाएगा। फिर इस वैल्यू को आप यूज करके सॉल्व कर लेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।